ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई आयोजित 364वीं बोर्ड बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम SHIIDC के चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित 364वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक प्लांट के आवंटन के लिए ई नीलामी प्रक्रिया को और सरल बनाने सहित उद्यमियों की सुविधा हेतु विभिन्न निर्णय कर लिए गए। बोर्ड ने प्रत्येक आवंटी की इकाई के भीतर श्रमिकों के इन सीटू आवास के लिए 10% तल क्षेत्र अनुपात FAR की अनुमति हेतु एक नीति को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में आयोजित SHIIDC की 364वीं बोर्ड बैठक में नए प्लॉट्स के लिए आवेदकों की सुविधा के लिए कई निर्णय लिए गए। पहला मानक ई नीलामी का समय प्रातः 7 बजे से साय 9 बजे तक रहेगा। हालांकि यदि नीलामी रात 9 बजे तक समाप्त नहीं होती है तो नीलामी अगले दिन प्रातः 7 बजे फिर शुरू होगी। बोली लगाने वालों को अब प्लॉट बुक करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि प्लॉट को एक निश्चित समय में बुक नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर अगले 1 मिनट में बिना किसी क्रम के रेंटमली प्लॉट आवंटित कर देगा। राउंड 3 पहले के राउंड या बाद के राउंड में जो भी अधिक हो HS3 बोलीदाता के उच्चतम बोली से शुरू होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण के समय प्राप्त किए जाने वाला ऑनरेस्ट मनी डिपॉजिट अब प्लॉट के आरक्षित मूल्य के लागत 5% होगा, जो कि पहले 2% था। सफल बोली लगाने वालों के लिए 10% भुगतान के समय को 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जाएगा। असफल होने पर पंजीकरण के समय जमा किए गए 5% EMD राशि को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि सभी असफल बोलीदाताओं को 24 घंटे के भीतर उनकी EMD राशि वापस कर दी जाएगी। गैर गंभीर बोलीदाताओं को रोकने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी सफल बोलीदाता अपना प्लॉट नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 5% EMD राशि को जब्त करने के अलावा 1 वर्ष के लिए SHIIDC के भविष्य की नीलामी की भागीदारी हेतु ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बोर्ड ने मांग पर आवंटियों की इकाई के भीतर औद्योगिक आवास श्रमिक के लिए 10% अतिरिक्त FAR की अनुमति देने की मंजूरी दी है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो संदीप कुमार की रिपोर्ट।